हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BS रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे Zee5 की मूवी आहा को, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आहा ये मूवी आज ही Zee5 पर रिलीज़ हुई है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस की मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी कोचू नाम के एक आदमी की, जो कि एक टग ऑफ टीम का स्टार मेंबर रहता है। लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसके कारण उसकी टीम हार जाती है। और उसके बाद उसकी लाइफ में आगे क्या क्या होता है और उसकी टीम का क्या होता है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसे स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले अच्छा लगा है। ऑल द स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक ज़रूर था, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, हमें बताया जाता है कि कोचू किस तरह का इंसान है, उसकी टीम किस तरह की है और इन सबके बीच का रिलेशनशिप किस तरह का है, वो सब इतना अच्छा तो है कि हमारे स्टार्टिंग से इस मूवी में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करने स्टार्ट करती है, हमें बताया जाता है कि अब इन सबकी लाइफ कितनी ज़्यादा बदल चुकी है और इन सबकी लाइफ में अब कितना कुछ हो रहा है, वो सब भी देखने में मुझे मज़ा आया है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे से तो लिखा गया था कि हम बोर नहीं होते हैं और इस मूवी में इन्वेस्ट रहते हैं। ऑल द ये पूरी मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है और आप इस मूवी के हर एक बिट को काफ़ी आराम से गेस करते चले जाते हो। इसी कारण से जब इस मूवी में ट्विस्टेडनेस आते हैं तो वो आप उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं जिस तरह को उन्हें डालना चाहिए था। लेकिन हाँ, आप बोर नहीं होते हो और इस मूवी में इन्वेस्ट रहते हो। और अगर हम कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स की बात करें तो कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स तो मुझे ठीक ठाक लगे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो सकता था, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से नहीं लिखा गया कि हम उसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। और जिस तरह से इन सारे कैरेक्टर्स को लिखा गया है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा रूटीन है। और अगर हम इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इस मूवी में आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स ड्रामास क्लीशेज देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, लेकिन उन सब पर बात करके मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो जिन्होंने कोचू के कैरेक्टर को प्ले करा है उनका काम ज़बरदस्त है और बाकी सभी एक्टर्स का काम अच्छा है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी में इतनी जान थी कि इस पर एक अच्छी मूवी बनाई जा सके, लेकिन डायरेक्टर बस एक ठीक ठाक मूवी बना पाए हैं। और जो एडिटिंग है वो भी बस ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो अच्छी है। तो ओवरऑल भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स ड्रामास देखना पसंद आती हैं तो आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो भी आप इस मूवी को देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे, इसलिए मेरी तरफ से तो ये मूवी रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन इश्यू करते नहीं हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।